देश में बच्चों की आधी आबादी स्कूली व्यवस्था से बाहर है, जो खुद में बहुत ही चिंताजनक बात है। अभी भारत सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसका नाम है UDISE+2019-20, और इसमें उन्होंने बताया है कि जो अपने देश में 15 लाख के करीब स्कूल हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, उनमें राइट टू एजुकेशन के जो मापदंड है वो कितने पूरे होते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि 15 लाख स्कूलों के अंदर 26.5, मतलब 26.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में जाते हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर कोई 42 लाख बच्चे 5,000 स्कूलों में जाते हैं। मैं जो सवाल यहां पे उठाना चाहता हूं वो ये है कि ये रिपोर्ट ये तो बताती है कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और वहां पर राइट टू एजुकेशन के क्या मापदंड हैं, लेकिन ये नहीं कह रही कि कितने बच्चे जो है स्कूली व्यवस्था से बाहर हैं। अगर हम देखते हैं कि देश की जो पॉपुलेशन है 130 करोड़, तो उसमें जो 3 साल से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन है 44.50। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से जो बच्चे जा रहे हैं इन 15 लाख स्कूलों में वो है 26.5 करोड़। इसका मतलब यह हुआ कि 18 करोड़ बच्चे 3 साल और 18 साल की एज ग्रुप के अंदर वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, जिसके अंदर जो है 42 लाख बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, और पॉपुलेशन के हिसाब से 85 लाख बच्चे जो हैं वो 3 और 18 साल की उम्र में हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए। तो अगर हम 42 लाख को 85 में से घटाते हैं तो 43 लाख बच्चे हैं जो दिल्ली में स्कूल की व्यवस्था से बाहर है। तो अब ये देखने की बात है कि जिस देश में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे स्कूली व्यवस्था से बाहर हैं, वहां पर सरकार क्या कदम उठा रही है इन बच्चों को स्कूलों की व्यवस्था में लाने के लिए। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसमें बहुत बड़ी संख्या विकलांग बच्चों की है, जो जनरली स्कूल से बाहर रहते हैं और जो स्कूल में आ भी जाते हैं वो भी कुछ समय के बाद, क्योंकि उनका ध्यान नहीं दिया जाता स्कूल में, वो ड्रॉप आउट होते हैं। तो सरकार के सामने मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है जिसको सरकार को एक्शन में आना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि ये सारे बच्चे जो हैं वो स्कूली व्यवस्था में आए। थैंक यू।